फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 12 चैनल पे। एनएसपी के द्वारा एक छोटा सा अपडेट ये आ रहा है, जिन बच्चों का रीवैलिडेशन के लिए फॉर्म गया था उनका दोबारा से वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये कुछ स्कीम का ही है, जरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल से। ये दरअसल हुआ है कि जिन बच्चों का पहले रीवैलिडेशन से फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ, जिनका अटका हुआ था कि मेरा रीवैलिडेशन फॉर्म स्टेट ऑफिसर दिखा रहा है, हमारे स्टेट ऑफिसर वेरी नहीं करता हमारी स्कीम में, तो हम फॉर्म वेरीफाई कैसे करें। हमने काफी ज्यादा मेल भी कर चुके मिनिस्ट्री को, ठीक है। लेकिन कल के दिन में काफी सारे बच्चे हैं जिनका जो फॉर्म है रीवैलिडेशन से फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री हो चुका है। तो हालांकि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट भी आपको, काफी सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम में मुझे मेल भी किया था और यहां तक कि मुझे और कमेंट बॉक्स में ज्यादा रिप्लाई देखने को मिला है कि हमारा जो फॉर्म है रीवैलिडेशन से चेंज हो गया, एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री दिखा रहा है। कुछ इस प्रकार से दिख रहे होगा क्योंकि एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री दिखा रहा है। यहाँ पे जिन बच्चों का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड मिनिस्ट्री दिखा रहा है रीवैलिडेशन सेट का, तो काफी अच्छा स्टेटस है आपका, क्योंकि पहले जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ था, रीवैलिडेशन शो करता था क्योंकि आपके स्कीम में कोई भी स्टैंडर्ड ऑफिसर वेरीफाई नहीं करता था, ठीक है। लेकिन ये मिनिस्टर का काम था तो मिनिस्ट्री ने आप वेरीफाई कर लिया ये पूरे। अगर आपका भी रीवैलिडेशन दिखा रहा है तो अभी आपके पास टाइम है कि आप दोबारा से अपनी जो मिनिस्ट्री है शिक्षा उदय स्कॉलरशिप का है उसका इसको मेल जरूर कीजिएगा मिनिस्ट्री को, ठीक है, जिससे आपका भी फॉर्म जो है दोबारा से वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है। आजकल में देखिएगा आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि शिक्षा उदय स्कॉलरशिप में कल से जो है वेरीफाई होना स्टार्ट हो चुका है, स्टेटस जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अभी स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, देखो स्टेट चेंज होने का मतलब है कि आपका फॉर्म रीवैलिडेशन से फाइनल वेरीफाइड हो चुका है, मतलब आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, खासकर आपने कुछ भी गलती नहीं की है। अब आपका डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट, अगर आपका परसेंट अच्छा है, सब कुछ सही है, तो आपका मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे ब्लैंक जो है वो यस हो जाएगा। मेरिट लिस्ट का मैंने आपको समय बताया भी था पिछले वीडियो में मैंने कि मेरिट लिस्ट जो लास्ट ईयर जारी हुआ था वो जुलाई में जारी किया गया था, तो इस बार पॉसिबिलिटी कि आपका जुलाई में जारी किया जाए, क्योंकि स्कीम में आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही कि आपका फंड नहीं है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है जो सामने खुल के आ रहा है कि आपका समय के तहत सब कुछ जारी होगा, जुलाई में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर उसके बाद फिर आपका टोकन नंबर, उसके बाद फिर आपका पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट कीजिए मेरिट लिस्ट का फिर, और अगर आपकी परसेंट अच्छी रही, अगर आपका सही रहता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद सेंट में हो जाएगा, उसके बाद पीएफ में से रिकॉर्ड चला जाएगा। यही अपडेट थी, अगर आपका रीवैलिडेशन से फॉर्म वेरीफाइड हो गया है तो काफी अच्छी बात है, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जो छोटी स्कीम के अंडर है उनका अगर रीवैलिडेशन है, अगर उनके स्टेट ऑफिस एक डेट दिया गया तो उसके तहत तो वेरीफाई नहीं करा पाए तो उसकी डेट ओवर हो चुकी है। ये उन्हीं के लिए जिनका मिनिस्ट्री बिलोंग करता है, जिनका कोई स्टेट ऑफिसर बिलोंग नहीं करता है। तो धन्यवाद।